नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटा। हम अक्सर देश के हर तबके को समान हक दिए जाने की बात करते हैं और सुनते हैं, कभी टीवी डिबेट्स में तो कभी सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन क्या वाकई देश के हर तबके को समान अधिकार मिल पाता है? ये बड़ा सवाल है। ऐसा ही एक समाज है किन्नर समाज। हम अक्सर इस समाज के लोगों को देखते हैं, उनसे दो चार होते हैं, कभी किसी रेड लाइट पर तो कभी किसी फंक्शन में। लेकिन क्या हमने कभी इनके अधिकारों के बारे में एक बार भी सोचा है? किन्नर समाज के लोगों को आए दिन जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। देश के कई समाज सेवी संस्थान लगातार इनके वजूद के लिए लड़ रही हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी आज भी इन्हें वो इज्जत नहीं देती जिसके ये वाकई में हकदार हैं। भारतीय समाज में तीन लिंग हैं, यानी तीन जेंडर के लोग हैं, जिनमें पुरुष और महिला का समान तो निर्धारित है और अपने हक और वजूद को पा चुका है। लेकिन समाज का तीसरा जेंडर, जिसे हम ट्रांसजेंडर या किंडर के नाम से जानते हैं, वो अभी भी अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे ही किन्नरों को उनके हक की आवाज उठाने के लिए मुंबई के वसई में एक स्कूल खोला गया है। ये स्कूल सिर्फ किन्नरों के लिए ही खोला गया है। एक मेहंदी करके किन्नर थे, 4-5 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग क्यों नहीं पढ़े, कि लड़कियों के स्कूल में जाते हैं तो लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, लड़कों को में जाएंगे तो लड़के मजाक उड़ाते हैं, हमारा एडमिशन भी बड़ा मुश्किल से होता है और लोग एडमिशन भी नहीं देते हैं, इसके लिए हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। क्योंकि हर इंसान तो आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है हर चीज़ का, तो मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ज़रूर कुछ करूँगी, तो उनसे मैंने 4-5 साल पहले ही प्रॉमिस किया था, लेकिन आज मैंने वो वादा पूरा किया है उनको। आज वो बहुत खुश हैं, किताबें फ्री मिलेंगी, और जैसे अभी जो किन्नर कुछ मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है, तो अगर उनका इंटरेस्ट देखेंगे वो लोग किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनकी जॉब की भी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते आज तक जो दूसरों की खुशी में खुशियां मनाते रहे, तालियां बजाते रहे, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा ये लोग करें ताकि लोग इनको तालियां बजाएं। इंग्लिश ज़रूरी है ना, तो इंग्लिश तो पढ़ना ही है। अभी हमको आता है, थोड़ा बहुत आता है कि अटक अटक के आता है रुक रुक के, तो हमको पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम लोग थोड़ा वो जबान साफ हो जाएगी और अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे जाके कोई डिग्री आया कुछ आए सर्टिफिकेट आए तो हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमारे लोग बड़े बहुत सारे जन पढ़े, उनके जैसे हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे किन्नर समाज के जो गुरु हैं हमारे मेहंदी अली जी, उनके प्रयत्नों से ये किन्नर विद्यालय हमारे लिए खोला गया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये किन्नर विद्यालय हमारे लिए खुला है, क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ हुई हमारे समाज में। मतलब पहली बार इतिहास में ये जो सुनाई में आया कि किन्नर विद्यालय, जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज सुन के और इस जगह पे साथ में काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।